अभी हम लोग क्लैम ग्राफ खत्म किए, अब हम लोग एक हिदर ग्राफ देख लेते हैं कि हिदर ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हिदर ग्राफ में क्या होता है कि हिदर ग्राफ में किसी भी क्षेत्र का उसमें दो चीजें प्रदर्शित करते हैं, एक आपका तापमान होता है जो कि कॉमन है, क्लाइमोग्राफ में भी रहता है और हिदर ग्राफ में भी। दूसरा चीज एक और है कि यहाँ पर वर्षा आ जाता है, वहां पर हम लोग ह्यूमिडिटी को दर्शा रहे थे, यहाँ पर वर्षा को दर्शाएंगे। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे के समक्ष अब रखते हैं और एक ग्राफ की रचना करेंगे, आरेख की रचना करेंगे, उस आरेख से फिर क्लियर हो जाएगा कि स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा कि क्या करेंगे। एक चीज और समझिएगा कि आखिर ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, लास्ट में चर्चा करेंगे कि क्यों, अभी सोच के रखो तुम लोग कि इसकी रचना क्यों कराई जाती है, जब डेटा हमारे पास ऑलरेडी है तो बनाने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, कुछ तो होगा ना कारण, तो उसको सोच के रखिएगा आप, है ना। तब तक के लिए अब शुरू करते हैं इसको। देखिए बनाने से पहले क्या करना है, आउटर बाउंड्री आपको रेडी कर लेना है। आउटर बाउंड्री बनाने का तरीका मैंने बता रखा है, नहीं तो प्लेलिस्ट में, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोग किस तरह से बनाना है ना। रेडी क्रिएट करते हैं यहाँ पे हिदर ग्राफ ऑफ मेरिट, हिदर ग्राफ ऑफ मेरिट, है ना, मेरिट का हिदर ग्राफ आपको तैयार करना है। अब देखिए इसके लिए भी आपको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो ग्राफ पेपर इस तरह से आप रख ले अपने पास। ग्राफ पेपर लेने के बाद क्या करना है आपको कि इसमें जिस तरह से उसमें डिवीजन किए थे उसी प्रकार से इसमें भी डिवीजन कर दीजिए, वो देख लीजिए कि कितना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना अधिक डेटा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट हाईएस्ट डेटा जो है वो 32 तक गया है, तो मान के चलिए 32 गया तो 35 तक खींच लेते हैं हम, 40 तक खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। अब इधर देखिए वर्षा में कितना तक गया होगा आपका, 20 तक गया होगा, तो उसी आसपास में 25 तक ले लेते हैं हम ताकि दिक्कत ना हो। तो उसी आधार पर हम ये डेटा, उसी के आधार पर हम लाइंस क्रिएट करके और बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं, ये 0 मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम ले लेते हैं 25 तक, है ना, 5-5 का इंटरवल लेके चलते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, चलो 40 ले लेते हैं, ये आपका 40 हो गया। अब इसी चीज़ को इधर ले आते हैं, यहाँ पर आपको ज़रूरत है 25 तक लेने का, एक यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, चलो 30 तक लेते हैं, अच्छा इधर ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, कोई दिक्कत नहीं, आगे तक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका इधर चला गया। अब यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये आपका 45, 50, इधर चले जाते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 हो गया, 40 हो गया। अब देखिए जैसे क्लाइमोग्राफ में काम कर रहे थे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इसमें भी सेम काम करना है, लेकिन यहाँ पर जो दर्शा रहे थे वहाँ उसके इसके पहले वाला में जो दर्शा रहे थे उसमें टेम्परेचर को दर्शा रहे थे। इसको आप लोग बड़े अक्षरों में लिखना, कैपिटल लेटर में टेम्परेचर है, जो कि किस में रहेगा, सेंटीग्रेड में। ठीक है, सेंटीग्रेड में रहेगा, और इधर जो है वो आपका रेनफॉल है, कैपिटल में लिखना आप लोग अच्छे से साफ साफ से, रेनफॉल को किस में दर्शाते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डेटा दिया हुआ है, ये मेरठ का है, देखिए जनवरी महीना से शुरू होता है, जनवरी महीना में आपका 14 है ना, तो 15 से थोड़ा सा कम, और वर्षा कितना है 3, मतलब कि 2.5 से थोड़ा सा अधिक, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 14 इस जगह पे। ठीक है, ये कौन सा है आपका, जनवरी, है ना, जनवरी हो गया। उसके बाद आते हैं फरवरी पे, अब देखते हैं हम लोग फरवरी का, फरवरी में है कितना 16, और इधर कितना है 2, तो 2.5 से थोड़ा सा कम, मतलब कि ये आपका 2.5 है, यहाँ 2 से यहाँ थोड़ा सा कम, ये मतलब आपको हो गया फरवरी। ठीक है, इसके बाद है 22, है ना, 22, देखिए 20 से थोड़ा सा प्लस, 22.5 ये हुआ, ये आपका 20 हुआ, इसमें कितना है 2, ये 2.5 है, इसलिए ये यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर आपका ये हो गया मार्च। इसके बाद है अप्रैल, अप्रैल का है 28,
अप्रैल का ये 28, 27.5 हो गया, ये 28 हो गया, है कितना 1, ये हो गया अप्रैल का, अप्रैल हो गया। इसके बाद है मार्च का, मार्च का कितना है, मई मई को देखते हैं, मई का कितना है 31, 30 और ये 31 और इधर कितना है 2, यहाँ पर ले आते हैं, ये किसका है मई का। इसके बाद है जून, जून का कितना है 32, तो जून में चला जाएगा 32, है ना, 32.5 से थोड़ा सा कम रहेगा, और इधर कितना है 7, तो ये 7.5 है, थोड़ा सा कम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। ये किसका हो गया जून का। इसके बाद है जुलाई, जुलाई का है 30 और इधर से है 19, तो इधर हाइट कितना है, इधर 30 जा रहा है टेम्परेचर में, है ना, और इधर कितना है 19, ये आपका 20 है, तो यहाँ पर ये 19 हो जाएगा, इधर कितना है 30, यहाँ पे आ जाएगा। ये किसका हो गया जुलाई का, जुलाई का हो गया। जुलाई के बाद है अगस्त का, अगस्त का कितना है 29, है ना, इधर है 29 और इधर कितना है 20, तो 20 के सीधे में चला जाएगा 29, है ना, ये कम यहाँ पर, किसका हो गया ये, ये हो गया आपका अगस्त। उसके बाद है सितंबर, सितंबर का है 27, तो ये 25 27.5 है, 27 मतलब थोड़ा सा कम होगा, इधर कितना है 12, 12 है, तो ये 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। किसका है सितंबर का। उसके बाद है अक्टूबर का, अक्टूबर का है 24 है, ये 25 से थोड़ा सा कम, और इधर कितना है 1, यहाँ पे लाते हैं, ये हो गया इसका अक्टूबर का। इसके बाद है नवंबर का है 18, है ना, नवंबर का चला जाता है 18 पे, नवंबर का 18, 17.5 ये 18 हो गया, ठीक है, और इधर है 2, तो 2.5 से भी कम, तो यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा। ये किसका है नवंबर का है। उसके बाद है दिसंबर, लास्ट है दिसंबर में 14, 15, ये हो गया, इससे भी कम हो जाएगा, और इधर है 2। देखिए जनवरी में हम लोग शुरू किए थे, जनवरी में भी 14 था और दिसंबर में भी टेम्परेचर 14 है, लेकिन वर्षा जो था वह 3 था, यहाँ पर कितना है 2, तो ये वर्षा 2, 2.5 से भी थोड़ा सा कम है, है ना, और इधर है 14, ये हो गया आपका दिसंबर का, और यहाँ था आपका फरवरी का, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया डॉट वाला काम। अब जैसे क्लैमोग्राफ में मिलाया था उसी प्रकार से इसको भी मिला देना है, तो जनवरी के बाद कौन जाएगा फरवरी, तो जनवरी और फरवरी को मिला दीजिए। इसके बाद फरवरी के बाद मार्च, देखिए यहाँ पर मार्च चला जा रहा है ऊपर में, उसके बाद है उसके बाद है अप्रैल, अप्रैल यहाँ पर है, उसका मई, मई के बाद जून, जून कहाँ था, जून देखिए यहीं पर सामने है, मई के बाद जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर कहाँ पे है, यहाँ पे है 25, अक्टूबर, नवंबर, और फिर से यहाँ करके मिल जाएगा ये दिसंबर में। तो इस तरह से आपका बनेगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये स्केल को और बेहतरीन बनाने के लिए, साफ साफ दिखने के लिए, ये जो डेटा आज आपने लिया है, यहाँ 5 ना लिख करके 5 यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है, ये 5 यहाँ हो जाएगा, 10 यहाँ हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप बनाएंगे, बड़े स्केल पर जब बनाएगा, लार्ज स्केल पर इसी को, तो ये और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आपको, और बहुत ही क्लियर तरीके से बनेगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको बॉक्स बना करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका जैसे यहाँ पर लिया ना, यहाँ देखो 5 से 10 लिए थे ना यहाँ पे, तो 5 से यहाँ 0 से 5 ना यहाँ ना ले करके 0 से 5 यहाँ ले लीजिए, तो ये आपका 2.5 हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा अच्छा 3 कहाँ पर क्या होगा। सो इस तरह से भी आप मान करके चल सकते हैं, स्केल को चेंज कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी बनाइएगा तो गलत नहीं है, ये भी आपका सही बनता है, वो आपके मानने पर डिपेंड करता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, इसमें स्क्वाचिंग की मगी रॉ लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। वो आपका आर्द्रता पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर ये वर्षा है और यहाँ पर टेम्परेचर, तो इसमें डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसको नहीं लिखना इस तरह से। इसके बाद ग्राफ पेपर को कट कीजिए, कट करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना, पेस्ट करके ये आपका कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसको बना क्यों रहे हैं, कोई जवाब देंगे क्या आवश्यकता पड़ी हिदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ बनाने को, कोई जवाब है कभी सोचे हैं? देखिए ऑलरेडी हमारे पास डेटास दिए हुए हैं, जैसे कि जून में क्या था, जुलाई में क्या था, फरवरी में क्या था, सारा डेटा दिया हुआ है। लेकिन अस्पष्ट तो आप बता सकते हैं क्या कि किस महीने में बारिश हुई है ज़्यादा, किस महीने का तापमान ज़्यादा गया है, आपको देखने में समय लगेगा। लेकिन इसी चीज़ को अब ग्राफ से देखिए, एकदम देखने से स्पष्ट पता चल जाएगा कि सबसे अधिक बारिश कौन महीना हुआ होगा, अगस्त में। सबसे कम बारिश कौन महीना हुआ होगा, जनवरी, अक्टूबर में, यहाँ पर देखिए अक्टूबर में। सबसे अधिक तापमान कब, कौन सा महीना में रहा होगा, सितंबर में। तो एक बार में आप देख करके तुरंत बता सकते हो, यहाँ जुलाई में देखिए, जुलाई में था है ना, जुलाई है, ये जुलाई है, मई जून जुलाई इसमें टेम्परेचर अधिक रहा, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर किस में रहा, दिसंबर जनवरी में। तो एक बार में ही आप इसमें देख करके स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि किसमें तापमान अधिक रहा था, किसमें वर्षा अधिक हुई, किसमें वर्षा कम हुई। तो इसीलिए इसकी रचना की जाती है ताकि एक बार में स्पष्ट रूप से आप देख करके बता सकते हो। क्वेश्चन और